हमारे शिक्षा सेवक और तालीम विकास भी बैठे हमारे जो है नाम नहीं हम जानते उन सभी को अपने संगठन की ओर से नमन और हार्दिक स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय भीम सलाम करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, दो मिनट अपनी बात को रखना चाहता हूँ। 6 तारीख को हमको फोन किया गया, संतोष भैया से भी बात हुई और राजेंद्र भैया से भी बात हुई, इससे पहले में एक मिनट बोल दीजिए हमको। अरे दूलारी बोलो, जय भीम बोलो, बोलिए 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 बोलिए। माननीय मंत्री महोदय, फाइल खोलिए बोलिए बोलिए। सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के साथ हम लोग पूरे सुनने के लिए आए हुए हैं आपका बात कि हम लोगों का बेहतर भविष्य कल होगा। आज तक हम लोगों के जो है आश्वासन के सिवा आज तक कुछ मिला नहीं है। जब आप विधायक थे धरती के पूरे बिहार से आपको जो है कहा गया था माननीय मंत्री महोदय कि हम लोगों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास किए, धन्यवाद के पात्र हैं महोदय। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के संगठन को आप माननीय बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संगठन के अध्यक्ष को वार्ता करवाए। वार्ता होने के बाद आज तक हम लोगों का कोई इंतजार ही हो रहा है और कोई कुछ मिला नहीं है। महोदय, हम लोग इंतजार कब तक करें, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। महोदय, 9,680 रुपया हम लोगों को मानदेय मिलता है। अफसोस और दुख की बात है कि मधुबनी जिला में मानदेय लेने के लिए धरना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यह दुख की बात है महोदय। इतना तानाशाही अगर पदाधिकारी रहेगा, गरीब गुरबा का बात नहीं सुनेगा, मंत्री का बात नहीं सुनेगा, तो हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग कैसे जिएंगे। 4 महीना से हम लोगों का मानदेय नहीं मिला महोदय। 10 महीना से ईपीएफ का हम लोगों का खाता पे राशि नहीं गया महोदय। हम लोगों के ईपीएफ वेबसाइट पे जो है डिजिटल सिग्नेचर डीपीओ का सिग्नेचर लोड नहीं है महोदय। हम लोग किसके पास अपनी दिल फरियाद लेकर आए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं महोदय। आप मेरे गार्जियन बनिए, आप मेरा अभिभावक है, सीने से लगा लीजिए, बोल दीजिए टोला सदर ताली मच कर, मत घबराना, हम मधुबनी में आ गए हैं, तुम्हारा समस्या को निष्पादन करके जाएंगे। जो भी समस्या है तुम्हारी समस्या को निष्पादन दूर करके जाएंगे महोदय। पत्रांक संख्या 29 है, 2 अगस्त 2023 को माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि संविदा जो कर्मी है उस कर्मी को जो है ट्रेवल भत्ता, जो विद्यालय को जांच करेगा उसको ट्रेवल भत्ता मिलेगा। और मधुबनी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जितने भी है वह मनुवादी विचारधारा के बोलते हैं कि तुम्हारा नाम अंकित नहीं है। हम उनको समझाना चाहते हैं, अगर मेरा नाम अंकित नहीं है तो हम लोगों को सेवा अभिलेख संधारण क्यों हुआ। हम लोग संविदा कर्मी है तब ना सेवा इस तरह का मतलब जिला से फरमान कुछ और निकलता है, प्रखंड में जाके कुछ और हो जाता है। मंत्री महोदय, एक शिक्षा सेवक और ताली मरकज को 20-20 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। इतना दर्द होता है और 4 बजे बीआरसी में जाके हाजिरी बनाना पड़ता है और कहता है हाजिरी नहीं बना दोगे तो स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता, एक ही लाइन लगा जाता है, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मानसिक रूप से महादलित दलित अल्पसंख्यक को गुलाम बना के रख दिया है प्रशासन। हम चाहना चाहते हैं कि महोदय हम लोगों से, इन लोगों से आजादी मिलना चाहिए। हम लोगों की जो समस्या उस समस्या को सुनिए, समझिए और अपने आप क्या जो है इसको निष्पादन करके जाइए। महोदय, हमको जो मांग प्रदेश में है वो आपको तो सारी बात मांग बोल ही दी है महोदय। इस महंगाई के दौर में हम लोगों को 9,680 रुपया से अपना घर परिवार बेटा बेटी चलना मुश्किल हो गया महोदय। 4 महीना पे मानदेय मिलता है वो भी जो है इतना परिश्रम करके, जिसका कोई जवाब नहीं है। मान्य महोदय, हम लोगों को संतोष मानदेय वृद्धि के लिए आपसे आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप प्रयास करके हम लोगों का बेहतर भविष्य। इस समुदाय को देखने वाला कोई नहीं है, मंत्री विधायक सभी के पास अपना आंसू बहाने के लिए वहां जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मगर इसको सुनने वाला कोई नहीं है। आप इस चीज को, दर्द को समझिए और दर्द को बांट दीजिए। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद।
में सारा जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा सेवक शिक्षा सेवता निम्बर का शिक्षक सब जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम जय मी।